तो आज हम सीखेंगे इस फेसबुक के लेटेस्ट कोर्स में कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक में बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फेसबुक एड्स रन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कंपनी पेज, उसी की वजह से या उसी के ऊपर ही आप एड्स रन कर सकते हो, वरना आप एड्स रन नहीं कर सकते। तो आज जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा, स्टेप्स बताऊँगा, उन सबको आपको फॉलो करना है ताकि आप एक प्रोफेशनल पेज क्रिएट कर पाएँ। साथ के साथ इसी कोर्स में अपकमिंग वीडियो में मैं आपको पेज की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एड्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और आपको पता है, क्योंकि ये हमारा फेसबुक का लेटेस्ट कोर्स है, इसमें हम आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब उन एक्सपीरियंसेस के संग बताएंगे जो इंडस्ट्री के अंदर, जो हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, उनके लिए करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और फटाफट कंपनी का पेज बनाना शुरू कर दीजिए इन स्टेप्स को फॉलो करके। आइए, जैसे कि इस समय आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हो, तो यहाँ पर अभी मैं एक फ्रेश फेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। अब पेज बनाने के लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर टॉप राइट में, जो ये 9 डॉट्स आ रही है, मैंने क्लिक करा। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेजेस का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में मेरे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट न्यू पेज, तो यहाँ पर हमने करा क्लिक। जैसे मैं क्रिएट अ पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज आ गया। अब जैसे जैसे इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप करोगे, तो आप भी एक प्रोफेशनल पेज बना लोगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है पेज का नाम। अब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी है, ठीक है, उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है। अब जैसे मैं तो अभी MF डिजिटल फंडास, अभी ये क्योंकि मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग फंडास ये सब नहीं लिखूँगा, मैं MF डिजिटल फंडास करके एक पेज क्रिएट। अब देखिए, नाम हमने ऐड कर दिया। इसके बाद कैटेगरी, आपके बिजनेस की कोई कैटेगरी होगी, अब आपकी कैटेगरी मेडिकल है, हेल्थ केयर है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी फील्ड जो भी है उसका आपको यहाँ पर कैटेगरी डालना है, ये रिक्वायर्ड है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। हमारा मार्केटिंग है तो मैं मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ, बिकॉज हम अब मैं मार्केटिंग एजेंसी ऑप्शंस भी देता है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। मैं मार्केटिंग एजेंसी, मार्केट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, बट अभी के लिए मैं मार्केटिंग एजेंसी करूँगा, बिकॉज इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ मार्केटिंग का कवर हो जाता है। अब दोस्तों, ये करने के बाद बायो अभी मैं डमी लिख रहा हूँ, बट आपको अपनी कंपनी के प्रोफेशनल बायो आपको लिखनी है। जैसे अभी तो मैं लिख देता हूँ लाइक वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स। इस तरीके से जो भी मतलब आपको अपना कंपनी के बारे में बताना है, शॉर्ट में बताना है, लोगों को उन कुछ लाइनों से ही पता लग जाना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में कितने टाइम से हो, आपकी USPs क्या हैं, ठीक है, तो इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। हर कोई बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता, पूरी डिटेल नहीं पढ़ना चाहता, वो आपकी कंपनी का नाम देखेगा, कैटेगरी देखेगा, अच्छा कुछ 2-4 लाइनें आपके बारे में पढ़ेगा, जिससे उसको आइडिया लग जाना चाहिए, अच्छा ये लोग ये करते हैं, ठीक है, तो ही उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर वो आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आप सही से फिल करेंगे। इसको करने के बाद हम क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे, अब ये हम अभी प्रोसेस ले रहा है, कुछ सेकंड्स लेता है, ठीक है। MF डिजिटल फंडास वॉज क्रिएटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ पर कुछ हमें फर्दर स्टेप्स करने हैं। स्टेप वन पे अभी हम हैं, 5 स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं। कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो प्लीज़ यहाँ पर वेबसाइट एंटर कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ www.marketingfundas.com, हमारी ये वेबसाइट हमने यहाँ पर एंटर करी। नंबर अपना एंटर कीजिए, जिस भी कंट्री में आप हैं, जैसे हमारा तो इंडिया है,
तो यहाँ पर जिस भी कंट्री में है उसका पहले आपको कोड लगाना पड़ेगा। करते हैं तो यहाँ पर मैं इंडिया चूज कर लूँगा, ठीक है। तो इंडिया के बाद मैं अपना नंबर डालूँगा। यहाँ पर हमने अपना नंबर डाला, अब अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। ईमेल एड्रेस ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल डाली, लोकेशन जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस अपना फिल कर दीजिएगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आर्स का, कि आपको बताना तो पड़ेगा ना अपनी कंपनी पेज पे कि आपका जो भी ऑफिस है या कोई भी आपकी प्रीमिसेस है या आपके वर्किंग आर्स क्या हैं। नो आर्स अवेलेबल, कि अभी आप यहाँ पर आप अगर मान लीजिए आप ऑफ ले रहे हैं काम से और कोई भी नहीं हैंडल करने के लिए, तो आप ये अपडेट भी कर सकते हैं कि नो आर्स अवेलेबल। ऑलवेज ओपन, कुछ ऐसे बिजनेसेज हैं जो हमेशा ओपन होते हैं तो यहाँ पर आप ऑलवेज ओपन कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक आवर्स अगर आप काम करते हो, जैसे कुछ डेज हो सकता है आप 3 दिन ही ओपन हो, तो आप 3 दिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं मंडे ओपन हूँ तो मेरे ओपनिंग आवर्स क्या है जी, मैं सुबह मेरा जो ऑफिस है 10 बजे खुल जाता है। क्लोजिंग आवर्स क्या हैं कि जी ऑफिस मेरा क्लोज हो जाता है 6 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपडेट करा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर ट्यूसडे, जिस जिस भी डेज, अगर सारे डेज है तो सारे कर दो, उनकी टाइमिंग्स कर दो, ये आपके हाथ में। ये हर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है, सबका सेम नहीं होता। यहाँ पर सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आप अपना सही से फिल कीजिएगा। यहाँ पर हमने पहला स्टेप करा तो हम नेक्स्ट करेंगे। अब जब हमने नेक्स्ट करा तो दोस्तों यहाँ पर मांग रहा है कस्टमाइज और पेज, अपने पेज में मतलब कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म भी तो लाना है, तो आएगा कैसे, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। आप प्रोफाइल पिक्चर में अपनी सेल्फी या कोई पिक मत लगा दीजिएगा, ये हम फेसबुक की प्रोफाइल नहीं बना रहे, तो हम बिजनेस पेज बना रहे हैं। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसका लोगो यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, मैं अपनी कंपनी का जो लोगो है, ये लोगो मैंने चूज़ करा, तो यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से लोगो दिख रहा है। पहले अभी हमारा लोगो पहले दूसरा था, अभी हमने चेंज करा है। तो यहाँ पर हम ऐड कवर फोटो पे जाएंगे, तो कवर फोटो भी हमने बनवा के रखा है। और यहाँ पर साइज़ है 1080x417, ठीक है। तो ये साइज़ भी आप देख लीजिएगा, लोगो का साइज़ है 1080x1083, ये लोगो का साइज़ है। तो इन साइज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम ओपन कर इसको अपलोड करते हैं, तो हेयर यू कैन सी हमारा वो बैनर भी आ गया है। अब यहाँ पर ऐड एक्शन बटन, ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करने का मतलब है कस्टमाइज योर एक्शन बटन, राइट। यहाँ पर अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मान लो आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आप बुक नाउ का फीचर लगाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप साइन अप का लगाओ। स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, अगर गेट टिकट्स, अगर कोई इवेंट वगैरह किसी चीज़ का है, कोई आपको मैसेंजर का लगाने की, डायरेक्ट वो आपके मैसेंजर से कनेक्ट हो जाए वो लगा सकते हो। आपको व्हाट्सएप का लगाना है, कॉल का लगाना है कि वो कॉल कर सके, कॉन्टेक्टस, ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि भाई आप हमको व्हाट्सएप SMS भेजो, तो मैं व्हाट्सएप का लगा दूंगा, या हम कॉल का भी लगा सकते हैं अगर हमें कोई कॉल करना चाहता है, कॉल का लगाएंगे। यहाँ पर एक बार दोबारा से कॉल का ऑप्शन लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्लिक करा, नंबर ऐड करा, सेव करा। कई लोग पेज बना लेते हैं बट उसमें कॉल टू एक्शन ही नहीं होता, तो कोई पेज पे आ भी रहा है, उसको इंटरेस्ट भी है, तो उसको इजी होना चाहिए ना कि हाँ वो ऊपर से ही वो आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, कुछ भी। तो उससे क्या है, एंगेजमेंट बढ़ता है, सामने वाला इजी कनेक्ट कर सकता है, आपकी लीड खराब नहीं होती है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन एक बार ही कर लिया समझ लीजिए नहीं कि एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप दोबारा उसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हल्का सा प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ पर कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, तो अगर आपके व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है तो अपना व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, वही सेम प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया था।
अब यहाँ पर चौथा पूछ रहा है, क्योंकि पेज खाली खाली नहीं होना चाहिए, अब पेज बना रहे हैं कंपनी का, तो अपने कुछ एम्प्लॉयज जानकार वगैरह को भी इनवाइट कर लो ताकि आपके पेज को वो फॉलो कर लें। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे को किसी को करना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको कर लो, जितने भी आपके जो इसके अंदर आपकी फ्रेंड लिस्ट प्रोफाइल में होगी तो उनमें से किसी को अगर आपको भेजना है तो आप उसको भेज सकते हो। जैसे मैंने एक और यहाँ पर दो लोगों को सेलेक्ट कर लिया और सेंड इनविटेशन, तो इनको चला गया। अब आपको आपकी प्रोफाइल में 5,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, आपको उनमें से जितने को भेजना है भेज सकते हो, जो एक्सेप्ट करेंगे वापस इन जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, तो आपको पेज नोटिफिकेशन ऑन प्रोफाइल कोई भी आए वो चाहिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑन करना ऑन कर लो, नहीं करना मत करो, इसको भी ऑफ करना इसको भी ऑफ कर सकते हो, या आपके हाथ में, इसको डन करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर डन करा तो अब फाइनली ये ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारा सब हो चुका है। अब यहाँ पर वेलकम टू योर न्यू पेज, नॉट नाउ भी मेरे को टूर नहीं लेना, जस्ट अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। हेयर यू कैन सी, देखा जाए तो हमारी एक पोस्ट भी डल चुकी है पेज के ऊपर। तो यहाँ पर एक फ्रेश बिजनेस पेज क्रिएट करना सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले, क्योंकि फेसबुक ऐड्स चलाना आपको सीखना है, तो आप पेज क्रिएट कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेज बनाते तुरंत उस पर एड्स मत चालू करिएगा। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको कि लोग अकाउंट बनाते हैं, पेज बनाते हैं, ऐड चलाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सस्पेंड होगा, डिसेबल होगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अगर वो नहीं चाहते आप तो मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।